अभी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ऋषिकेश, और ये हरी मोहन और पुष्कर जिप्सी धो रहे हैं अपनी पानी में। लेट हो गया क्योंकि स्टोरी भी शूट करनी थी, आज कुछ गेस्ट आए थे सुबह, मुझे टाइम मिल नहीं पाया, तो उसके बाद मैंने स्टोरी शूट की। अब मेरे पास दो वीडियो हैं अपलोड करने के लिए, और एक स्टोरी का अपने टीम मेंबर को भेजूंगा, और उसके बाद फिर वो एडिट करके भेजेगी, तो रात को, आज रात को डालने के लिए स्टोरी नहीं है। तो ये होता है जब आप दो दो चैनल चलाओ ना, तो लगता है कि जंगल में है, लेकिन आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि जंगल में रह के भी अगर थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया तो फिर आपको भागना पड़ेगा। अब आज देखिए, वो इंजन की ना तो बीप बीप की आवाज आ रही है, ना तो वो सिग्नल आ रहा है वार्निंग वाला, लेकिन वो इंजन की लाइट जल रही है। मतलब इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन वायरिंग का काम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पूरी ही वायरिंग चेंज कराओ तो बेस्ट है, और उसके लिए पूरे दिन का टाइम चाहिए, वो मुझे ऋषिकेश में मिल नहीं पाता है, तो वो काम तो दिल्ली में ही कराऊंगा जाके। आज ऋषिकेश में ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, मैक्सिमम एक घंटा, तो दोनों फ़ोन से अपलोड करूंगा वीडियो, तो बस जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि कल रात को वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाया, रात भर लगाया था, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, समझ में नहीं आता सिग्नल का चक्कर क्या है। जब से ये S24 अल्ट्रा ले लिया है तब से ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि इसकी फाइल बहुत हैवी होती है, तो अल्ट्रा HD में जो बनती है, तो इसलिए हर दो तीन दिन में चक्कर मारना ही पड़ता। हाँ, ये हो गया कि मेहनत में ज़्यादा करने लगा हूँ, क्योंकि ऋषिकेश जाता हूँ तो एक वीडियो लेके नहीं जाता, पिछली बार चार वीडियो थे, आज तीन है, एक स्टोरी और दो ये वाले वीडियो, तो मेहनत का फल मीठा होता है, देखते हैं वो फल मिलता कब है। नहीं, मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, लेकिन जिस फल की मुझे तलाश है वो फल नहीं मिला है। मिनट चौंक गया मैंने, आदमी कैसे खड़ा है एकदम सिपाही सी वर्दी में, एक जड़ है, देखिए कैसी लग रही है, आप लोग को भी लगती है कि नहीं, ये देखिए, ये मुझे ऐसा लगा, मैं जा रहा था, मैंने कि एकदम से कोई आदमी खड़ा है सिपाही की वर्दी में, देखिए कैसी लग रही है, एक हाथ, ये रात को दिख जाए भैया इतने में तो कांड हो जाएगा, देखो बिल्कुल लग रहा है कि आदमी खड़ा है, और रात को तो भूत ही नजर आएगा ये। आज दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, मैं वैसे तो आजकल टाइमली जाता हूँ, थोड़ा सामान खरीदना था, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, लेकिन हाथियों के हिसाब से लेट हो गया है। अब मेरा एक मन कर रहा है कि मैं यहाँ रुक के चाय पीऊँ, और दूसरा मन कर रहा है कि नहीं पीऊँ, निकल जाऊँ, लेकिन जो जंगल के निवासी होते हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट, चाहे वो केनेथ एंडरसन, चाहे विवेक अवस्थी, चाय तो पियेंगे भाई, हाथी से निपट लेंगे। तो अभी जो कौड़िया में शॉप्स आती हैं वहाँ पे चाय पीऊँगा, फिर जाऊँगा अपने जंगली रिजॉर्ट। मौसम देखो कितना सुहाना है, ये वन गुजरों का डेरा है, यहाँ पे भैंसे चल रही हैं, ये अपनी गंगा कैनाल, इसको बोलते हैं शक्ति नहर, शक्ति नहर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके इससे बनती है शक्ति, यानी कि बिजली, हाइड्रो पावर, जल विद्युत शक्ति। उस पार घना जंगल है राजा जी नेशनल पार्क का, एनिमल साइटिंग होती रहती है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 5 मिनट बाद एक वीडियो पब्लिश होने वाला है, जिसको कि मैं पब्लिश अपलोड करके आया हूँ ऋषिकेश से, दो वीडियो अपलोड किया आज, अभी चाय की दुकान पे एक पब्लिश करूँगा, तो उसमें हाथी मिले थे वो दिखाया था। एक स्टोरी का वीडियो भी किया है, कुल मिला के 3 वीडियो पब्लिश किए हैं, तो पहले मैं मेन चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर रात को स्टोरी वाले पे। तो दोस्तों एक मन कह रहा था कि चाय पीनी है, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं पीनी, जीत हुई थी एक मन की, लेकिन हार हो गई एक मन की,
क्योंकि दुकानें जितनी यहाँ पे थी, शाम का टाइम है हाथियों का, तो वो दुकानें हटा लेते हैं। तो दुकानदार ने बताया यहाँ कोई लाला की दुकान है, वहाँ चाय मिलेगी। तो इतनी भी मेरे को चाय की तलब नहीं है कि अब मैं कोई दुकान ढूंढूं और फिर सामने दुकान पड़ जाती है कुल्लड़ वाली चाय का मन करता है तो पी लेता हूँ। तो अब तो रिजॉर्ट पे जाके ही चाय पी जाएगी। रास्ते में देखते हैं भाई मुलाकात होती है कि नहीं होती हाथी साहब से। अभी तक तो हथनियों से हो रही थी तो कोई टेंशन नहीं है, हथनियों से तो हो जाए तो आज भी कोई टेंशन नहीं है। हाथी साहब से थोड़ा सा डर लगता है। अभी बज गए 7:02। एक्चुअली मैं आज आया ही लेट था, कुछ गेस्ट थे उनके साथ बैठ के बातें चलती रहीं, फिर नहाया, एक वीडियो एडिट किया और उसके बाद फिर एक वीडियो शूट किया स्टोरी का, जो आज पब्लिश होगा वो आज ही शूट किया है। तो ये करने में फिर लेट हो गया था। मेरे ख्याल से मैं रिजॉर्ट से चला ही 4:30 था, तो उस लिहाज से कोई टाइम नहीं हुआ, आना जाना मिला के 3 घंटे। तो चलिए मिलते हैं गांव से निकलने के बाद, ब्रेक के बाद। तो दोस्तों जंगल के अंदर एंटर कर गए, लेकिन अभी अभी एक गाड़ी आई है सामने से, इसका मतलब अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। रास्ते में अगर कोई टसकर खड़ा होता तो वो गाड़ी नहीं आती। अभी मैंने ये कि बहुत बड़ा सांबर डियर है, रुको ये देखो, लेकिन जूम करूंगा तो दिखे, कई है ऐसे देख लो आप, जूम करूंगा तो नहीं दिखेगा। एक बार मैं वन थोड़ा कर, ये देखो दिख रहा है ना, एक और देखो, ये अभी डाउन हो गया 3 नंबर। तो ये 2-3 सांबर डियर है, अंधेरा होता है सांबर निकलते हैं। एक गाड़ी सामने से और आ रही है, एक गाड़ियां आती है, धूल भी आती है, इसको निकल जाने दो पहले। गाजियाबाद नंबर की गाड़ी थी। अभी किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आप अर्जुन हाथी के बारे में बताइए जिसकी की डेथ हो गई अभी, तो मैंने कहा ठीक है भाई कभी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अर्जुन जो है ना, उसको 1968 में पकड़ा गया था। ये एक ऑपरेशन होता है, खेड़ा ऑपरेशन। अगर आप लोग मेरा स्टोरी चैनल भी देखते हो, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरा दूसरा स्टोरी चैनल बन चुका है, वो लोग इसी में लिखते रहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं। उसका नाम है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, उसमें 5000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं अभी। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, अगर आप वो देखते हो तो आप पहचान जाओगे खेड़ा ऑपरेशन क्या होता है। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले जो जंगली हाथियों को पकड़ा जाता था सरकारी कामकाज के लिए, तो उसके लिए एक ऑपरेशन होता था, खेड़ा ऑपरेशन। खेड़ा क्या था, उसमें बांस के बड़े, मतलब बांस सॉरी, बड़ी बड़ी बल्लियां लकड़ी की, वो लेके बाड़ा बनाया जाता था, एक बड़ा सा बाड़ा जिसको कि हाथी तोड़ ना पाए, उसमें बल्लियों से सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता था और वो बनाया जाता था सी शेप में। और एक तरफ से दूसरे हाथियों से, जो पालतू कुमकी हाथी होते थे, तो उनसे उनको हांका जाता था। और जब बहुत सारे हाथी जमा हो जाते थे, पूरा हर्ड, जैसे कल मुझे दिखा था 35 एलिफेंट्स का हर्ड, तो ऐसे ही हर्ड पकड़ लिया, उसको हांका एक तरफ से। और कुमकी हाथी तो समझ लो कि जो हाथियों के कमांडो होते हैं, जैसे हम लोगों के बीच में कमांडो होते हैं ना, जो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग लेके आते हैं, ऐसी कुमकी हाथी की ट्रेनिंग, हाथी की कमांडो ट्रेनिंग होती है। वो टस्कर खुद भी टस्कर होता है, लेकिन वो दूसरे टस्कर को भी अच्छे से, अच्छे टस्कर को धूल चटाने की पावर रखता है।
हालांकि अर्जुना जिसके बारे में बात बता रहा हूँ वो भी कुमकी ही बन गया था और बाद में उसकी डेथ भी ऐसे ही हुई। वो दूसरे टस्कर को कंट्रोल कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था दिसंबर 2023 में, और वो टस्कर मस्त पीरियड में था, और मस्त पीरियड में टस्कर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती ना, वो तो एक तरह से नशे के अधीन होता है। मस्त पीरियड वो होता है जब हाथी के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाते हैं और उसके आंख और कान के बीच में जो टेम्पोरल ग्लैंड होती है वहां से टेम्पोरिन नाम का एक फ्लूड निकलता है जो कि बहुत ज्यादा बदबूदार होता है, बहुत ज्यादा स्मेल करता है, डार्क ग्रीन सा और ब्राउन कलर का मिक्सचर होता है। मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी है, एक हाथी जिसने मेरे ऊपर चार्ज किया था जिप्सी के ऊपर, वीडियो में वो भी दिखाया है। अगर वो आपने मेरा पाखरो जोन वाला देखा है वीडियो, और उसमें वो जो टेम्पोरिन गिरा था, वो हाथी जब चल के गया था आफ्टरनून सफारी में जब हमने देखा 2 घंटे बाद, तो टेम्पोरिन जमीन में पड़ा था, स्मेल भी मार रहा था और साफ साफ नजर आ रहा था कलर उसका, तो ग्रीसी ऑयली चीज होती है, तो वो होता है मस्त पीरियड। और उस टाइम पे हाथी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डरता नहीं किसी से, तो उसने अर्जुना को मार दिया था। लेकिन अर्जुना कैसे कैप्चर किया गया था वो बता रहा हूँ, खेड़ा ऑपरेशन जो बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बल्लियां लगाई जाती हैं और एक तरफ से कुमकी हाथियों से, ये बाइकर खड़े हुए हैं, सिगरेट चल रही है, तो वो जब जोर जोर से खदेड़ते हैं तो वो डर के मारे हाथी भागते हैं ग्रुप वाले, क्योंकि इन हाथियों में जो ग्रुप वाले होते हैं उसमें टस्कर तो होते नहीं, जो टस्कर होते हैं 15-16 साल से नीचे के वो होते हैं, तो मतलब इतने पावरफुल नहीं होते। हाथी तो 30 साल की उम्र के आसपास अपना असली रूप धारण करता है पावरफुल वाला, फीमेल तो पावरफुल होती है लेकिन वो मेल के सामने पावरफुल नहीं होती, तो जब उनको खदेड़ा जाता है तो फिर वो भागते हैं एक डायरेक्शन में और उन्हें नहीं मालूम होता कि आगे से ये बाड़ा बना हुआ है, सी शेप का जो बड़ा सा बाड़ा होता है उसमें जब अंदर घुस जाते हैं तो इधर से बाड़ा बंद कर दिया जाता है, तो वो हाथी अंदर ही अंदर कैप्चर हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं तोड़ने की, नहीं करते, फिर धीरे धीरे महावत लगा के एक एक हाथी निकाला जाता है और उनको पालतू बनाया जाता है, तब तक मैं बाड़े के अंदर ही उनको खाना देते रहते हैं। इस तरह से हाथी पालतू बनाए जाते थे पुराने टाइम पे, ये इसको भी 1968 के आसपास बनाया गया था पालतू, उस टाइम पे ये सब सिस्टम अलाउड थे, अब तो अलाउड नहीं है, अब तो कोई कैप्चर किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, रोग एलिफेंट तभी पकड़ा जाता है। और उस टाइम पे जब ये खेड़ा ऑपरेशन होते थे बड़े बड़े VIP लोग इनवाइट किए जाते थे कि लोगों को बड़ा मजा आता था देखने में, हाथी जब चिंगाड़ते हुए भागते थे दूसरे हाथी उनको भगा रहे होते थे फिर एक जगह जाके वो कैप्चर हो जाते थे, तो बड़े बड़े मचान बनाए जाते थे ऊंचे और वहां से ये खेड़ा ऑपरेशन देखा जाता था। तो अर्जुन को खेड़ा ऑपरेशन के तहत 1968 में कैप्चर किया गया, फिर उसे पालतू बनाया गया और उसके बाद उसकी सर्विसेज ली गई। मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है पूरे इंडिया में और उसमें गोल्डन हौदा होता है, सुनहरा हौदा, वो जो हाथी कैरी करे वो बड़ा सम्मान की बात होती है। तो उसने 2012 से 2019 तक अर्जुन ने वो गोल्डन हौदा भी कैरी किया, यानी 5-7 साल तक गोल्डन हौदा कैरी करने का उसको सम्मान मिला। एक्चुअली क्या था, इसके पहले गोल्डन हौदा कैरी करता था एक हाथी, उसका नाम था द्रोण, तो वो मेन दशहरा फेस्टिवल के पहले बीमार हो गया, तो अर्जुन को रखा गया और 750 किलो का हौदा होता था वो गोल्डन हौदा, और उसमें देवी विराजमान होती थी चामुंडेश्वरी देवी। तो एक बार जब हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था और हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो ये अर्जुन परेशान हो गया, इसने भीड़ के ऊपर ही हमला कर दिया, लेकिन महावत लोगों ने कंट्रोल कर दिया तो उसने फंक्शन फिर पूरा किया। ये लोग इन्होंने डिसाइड किया कि साथ में 3 गाड़ियाँ हैं तो साथ में निकल जाएंगे,
तो देखिए, मैं तो अपना वीडियो में अर्जुन हाथी के बारे में बता रहा था, और हाथी बिल्कुल चार्जिंग मोड में था जंगल में। मैंने देखा भी नहीं, मैं तो सामने ही सामने देख रहा था। और बस ये लोग बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी निकली है, इन्होंने देखी है। और उसके बाद फिर हाथी ने दौड़ाया चिंगाड़ के, दो हाथी ने दौड़ाया। तो होता है, चलता है, दुनिया है। तो एक बाइकर मुझे बोला, चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ, जो दूसरा था। अरे मैंने कहा भाई मुझे तो यहीं जाना है, मेरा तो यहीं ठिकाना है। तो मैं दोस्तों अर्जुन के बारे में बता रहा था, अर्जुन हाथी, कि 1997 में क्या हुआ कि जब उसको और एक हाथी था बहादुर, उसको लेर के जाया गया एक लेक में, एक धार्मिक फंक्शन होता था। वहाँ क्या हुआ, जो बहादुर हाथी था उसका महावत गिर गया, बताया जाता है वो एक्सीडेंट था। और जब वो गिरा तो इसके पैरों के नीचे आ गया अर्जुन के, और उसका ब्लेम पड़ा अर्जुन के ऊपर कि इसने जानबूझ के कर दिया, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पहले से खराब था, पहले भी भीड़ पे हमला कर चुका था। तो फिर इसको नागरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाया गया और कन्फाइनमेंट में रख दिया गया चेन से बांध के। उसके बाद जो निशान था, जो मतलब जो गोल्डन होदा कैरी करने का, दूसरे हाथी को दे दिया गया, उसका नाम था बलराम। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2011-12 के आसपास एक रेस कराई जाती थी, तो बलराम को इसने हरा दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अर्जुन ने हरा दिया, और वो भी हराया भी तो 45 मिनट के डिस्टेंस से, यानी कि बलराम 45 मिनट बाद पहुंचा वहां पे। और जबकि उस टाइम पे अर्जुन मस्त पीरियड में था, मस्त पीरियड में हाथी कंट्रोल में नहीं आता किसी के, एक महावत के कंट्रोल में आता है, जो मेन महावत है। अगर दूसरा कोई महावत पास चला जाएगा तो हाथी उसको कुचल के या सूंड से पटक के मार देगा, इतना पागल रहता है उसके, उसके दिमाग में झुंझुनी सी एकदम चढ़ी रहती है। 2-3 महीने का मस्त पीरियड होता है, मैक्सिमम 4 मंथ का। तो जब इसने हरा दिया तो ये हुआ कि भाई गोल्डन हौदा यही कैरी करेगा अर्जुन। तो 2012 से 2019 तक फिर अर्जुन ने गोल्डन हौदा कैरी किया। उसके बाद गोल्डन हौदा कैरी करने की बारी आई, एक दूसरा हाथी था, उसका नाम था अभिमन्यु। लेकिन ये अपनी सर्विसेज देता रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, टस्कर को कंट्रोल करना, कभी टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना है, टाइगर को घेरना है, तो ऐसे ही एक ऑपरेशन में काम कर रहा था दिसंबर 2023 में। सामने वाला टस्कर मस्त पीरियड में था और उसने इसको अपने दांत गड़ा के इतनी फेटल इंजरीज कर दी कि बाद में इलाज के दौरान अर्जुन की मृत्यु हो गई। तो ऐसा हाथी था जो एक बार नाराज हुआ हेलीकॉप्टर इतना नीचे आ जाएगा, वो हाथी जिसने कभी हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं वो तो डर गया, इधर उधर भागा, लेकिन उसी दौरान कंट्रोल में आ गया और वापस उसने अपना काम पूरा किया था। लेकिन जब एक दूसरा महावत गिर के मर गया, इसके पैरों के नीचे आ गया, तो उसका इल्जाम रखा गया, तो उसको कैद सुनाई गई, लेकिन बाद में अपनी एबिलिटी के दम पे वापस अपना वो सम्मानजनक स्थान उसने हासिल किया जो उससे छीन लिया गया था, और उसके बाद भी लड़ते लड़ते मरा। तो ये था अर्जुन हाथी, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों ने बोला था। और जब मैं अर्जुन हाथी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि दो हाथी मेरे ऊपर चार्ज करने वाले थे, किया नहीं, और बस मुझे, मैं ऐसे निकला, सामने से एक बाइक आई और वो गए तो उनके पीछे दौड़े, और उन्हें याद थी मेरी गाड़ी, तो वो जब पीछे लौट के आए तो बोला, भाई जी हाथी ने चार्ज आपके ऊपर नहीं किया? मैंने, मेरे पर नहीं किया? बोला, हम तो जैसे ही आपकी गाड़ी निकली वहां गए तो चिंगाड़ के हमारे पीछे भागे, हम गाड़ी घुमा के आ गए, फिर नदी में हमने प्रधान जी को फोन किया, तो प्रधान जी बोले वापस लौट आओ, यहीं सो जाओ, वो सुरेंद्र प्रधान जी मेरे वीडियो में कई बार दिखे हैं, सुबह चले जाना। फिर एक बाइक वाले को रोका, एक वो दूसरी गाड़ी थी XUV, उनको बताया, तो बाद में ये हुआ कि सारे साथ चलते हैं। वो बाइक वाला मुझसे बोल रहा था, तो मैंने, भैया मैं क्यों जाऊंगा यार, मैं तो
मैंने कहा मेरा तो यही रिजॉर्ट है, मुझे तो यहीं जाना था। बोला ठीक है। तो देखिए बाइक वालों को वैसे सुनने में लगता है कि यार बाइक वाले को खतरा है, बाइक वाले, एक्चुअली बाइक वाले को खतरा नहीं होता, खतरा फोर व्हीलर वाले को होता है। बाइक वाले के पास पूरा मौका होता है गाड़ी घुमा के वापस भागने का, फोर व्हीलर वाला नहीं घुमा पाता। बाइक वाला तो जैसे ही देखेगा हाथी दूर से वहीं से बाइक घुमाई रिटर्न, और जब तक मैं बैक कर करके फोर व्हीलर घुमाएगा तो ये चक्कर होता है। तो बाइक वाला दिलेरी में गया है, लेकिन उसे मालूम है कि भाई खतरा तो फोर व्हीलर वाले को, वरना जिनके ऊपर अटैक किया ये भी तो बाइक घुमा के वापस आ गए। इनकी जगह फोर व्हीलर होता तो घुमाने की जगह ही नहीं होती, वहाँ पे सकरा सा रास्ता है, वो तो रिवर्स में ही भागना पड़ता है। बाइकर को ये एडवांटेज है, वहीं गाड़ी घुमाई भागो। चलो कोई नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। दो हाथी भाग रहे हैं, इसका मतलब टस्कर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है दांत भी हैं, क्योंकि टस्कर तो लोनली रहे। वैसे क्या होता है कि इनके लूज बैचलर ग्रुप होते हैं, जो टस्कर होते हैं ना, जो शुरू शुरू में निकाल दिए गए होते हैं अपने ग्रुप से, तो इनको आदत तो होती है फैमिली की, और बाद में निकल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने निकाले गए होते हैं ना दाएं बाएं से, इनके ग्रुप के दूसरे के, ये मिल के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, बैचलर्स ग्रुप, जिसमें ऑल मेल होते हैं, ये इनको एक फैमिली का एटमॉस्फेयर मिल जाता है। लेकिन समय के साथ जब इनकी उम्र बढ़ती है तो इनको मालूम चलता है भाई ज़िंदगी का मज़ा तो अकेले रहने में है। तो वो हाथी जब 20-30 साल के हो जाते हैं फिर वो अकेले ही रहते हैं, वो टस्कर नहीं घूमते लूज बैचलर ग्रुप में, कम उम्र के घूमते हैं। तो ये हो सकता है कि लूज बैचलर ग्रुप के दो टस्कर ने अटैक कर दिया हो, उनके दांत हों, या फिर हर्ड में भी टस्कर होते हैं जो 15-16 साल के होते हैं, टस तो उनके भी आ जाते हैं और हूल देने के लिए वो भी आगे आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। तो अब क्या था वो मालूम नहीं चलेगा। बातें करते करते ये अपना रिजॉर्ट आ गया। तो चलिए एंड करता हूँ उस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।